हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भाई और भाभी के लिए सेम मैचिंग की राखी बनाएंगे। ये मेरा राखी सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने ये वाली राखी बनाई थी भाभी के लिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए हमें चूड़ी, लेस से बने फ्लावर्स, गोटा लेस और इस तरह का येलो फ्लावर चाहिए। मैं आपको पहले ये तीनों फ्लावर बनाना बताऊंगी। आप चाहे तो ये फ्लावर मार्केट से भी खरीद सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये वाला फ्लावर बना लेते हैं। इसके लिए इस तरह की गोटा लेस लेंगे। अब इसको आगे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे। दूसरी साइड से भी इसको घुमाएंगे। ये देखिए, ये त्रिभुज की तरह से बन जाएगा। अब दोनों के बीच में एक टांका लगा देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब गोटे को ऊपर ले जाएंगे, इसको अंगूठे से दबा लेंगे और अब एक और दो, दो बार इसको घुमा के अंगूठे के नीचे दबा लेंगे ताकि ये त्रिभुज बन जाए। अब फिर से एक टांका लगाएंगे, यही प्रोसेस हमें बार बार करना है। फिर से गोटे को ऊपर ले जाएंगे, दो बार घुमा के अंगूठे के नीचे दबाएंगे और टांका लगा लेंगे। एक बार आप समझ जाएंगे तो बाद में इजीली स्पीड से इसको बना पाएंगे। ये देखिए, मैंने गोटे की बेल बना ली है। अब इस तरह बुकरम को राउंड में कट कर लेंगे। अब इसको इसके चारों तरफ राउंड में सुई से सिलाई कर लेंगे। ये बेल वाला फ्लावर बन गया है। अब ये येलो फ्लावर बनाएंगे। ये बिल्कुल पतली फोम की शीट से बना है। ये शीट आपको मार्केट में मिल जाएगी या इसकी जगह कपड़े का फ्लावर भी बना सकते हैं। फोम को पांच पत्तियों वाले फ्लावर की शेप में कट कर लेंगे। हम तीन पीस कट करेंगे इसके। अब इनमें से एक के बीच में एक मोती लगाएंगे और बीच की दो पत्तियों को इस तरह से चिपका देंगे। अब पीछे की पत्तियों को भी एक दूसरे के ऊपर चिपकाकर फ्लावर की शेप में ले आएंगे। अब दूसरा पीस लेंगे, इसके बीच में इस फूल को चिपका देंगे और पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा नजदीक नजदीक करके चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से। फ्लावर्स की दो लेयर हो गई है। अब तीसरी लेयर भी सेम उसी तरीके से चिपका लेंगे।
ये देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार है। अब हम ये वाला गोटे का फ्लावर बनाएंगे। इस तरह का गोटा लेंगे, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब इसमें इस तरह से सलवट डालेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर देंगे ताकि इसमें खूब सारी सलवट डल जाए। आप बिना सलवट के भी इसको रख सकते हैं, बट सलवट रहेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इन सलवटों में कच्चा टांका लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको ऐसे खींच के गांठ लगा देंगे तो इसका शेप राउंड हो जाएगा। एंड पार्ट में भी टांका लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। ये देखिए ये फ्लावर भी बन गया है। ये तीनों फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं। और ये जो ऊपर है ये मैंने मार्केट से खरीदे हैं। ये मशीन से बनते हैं इसलिए इनमें थोड़ी फिनिशिंग है। मार्केट में भी ये क्राफ्ट या लाइनिंग स्टोर पे आसानी से बने बनाए मिल जाते हैं। तो अब हम राखी बना लेते हैं। पहले भाभी की राखी बनाएंगे। सबसे पहले चूड़ी के चारों तरफ लेस लपेट लेंगे। अब सलवट वाले फ्लावर पर गोटे की बेल वाला फ्लावर चिपका देंगे और इसके ऊपर येलो फ्लावर चिपका देंगे जो हमने फॉर्म से बनाया था। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सलवट वाला फ्लावर हम एक ही जगह यूज करेंगे जो उंगली पे लगेगा और बाकी के 4 फ्लावर एक्स्ट्रा बना लेंगे जो चूड़ी पे लगेंगे। अब जो 4 फ्लावर है उनको एक एक करके चूड़ी पे चिपका देंगे इस तरह से। अब सुई धागा लेंगे और चूड़ी के बीच वाले फ्लावर की जगह से एक धागा निकाल लेंगे ताकि इसमें मोती डल सके। मैंने करीब 22 मोती डाले हैं इसमें। अब इसमें उंगली वाला फ्लावर अटैच करेंगे। मैंने यहाँ 16 मोती एक्स्ट्रा लिए हैं जिससे उंगली में डालने के लिए एक्स्ट्रा मोती का रिंग शेप बना लेंगे। इस तरीके से ये भाभी की राखी बन गई है। मैं इसे पहन के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम भाई के लिए राखी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के 2 टुकड़े कट किए हैं राउंड शेप में। उसमें से एक पे ये सलवट वाला फ्लावर चिपका देंगे, उसके ऊपर सेम वैसे ही बेल वाला फ्लावर और फिर उस पे येलो वाला फ्लावर चिपका लेंगे। अब इसके चारों ओर राउंड में सुई धागे की सहायता से मोती की माला लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके चारों तरफ एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। इसके नीचे इस तरह की येलो डोरी चिपका देंगे और इस तरह से इसको कार्डबोर्ड के दूसरे टुकड़े से कवर कर देंगे। अब इसमें भी मोती डाल लेंगे। पहले 2 व्हाइट मोती, फिर एक गोल्डन, फिर 2 व्हाइट मोती, फिर एक गोल्डन, फिर 2 व्हाइट मोती, फिर एक गोल्डन और एक बड़ा व्हाइट मोती लास्ट में डाल देंगे।
मैंने डोरी के एंड में भी एक गोल्डन मोती लगाया है, तो ये भाई के लिए भी राखी बन गई है। बहुत ही सुंदर लग रही है ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने भैया भाभी दोनों के लिए मैचिंग की राखी बना सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।